सीएम योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद पूर्वांचल खासकर गोरखपुर की दशा व दिशा दोनों बदल गई है। गोरखपुर शहर से होकर 3 फोर लेन गुजर रहे हैं तो रामगढ़ ताल के कारण गोरापुर अपनी अलग पहचान बना रहा है। इन 4.5 साल में गोरखपुर यूपी का पर्यटन हब बन गया है। गोरखपुर और आसपास के जिले में जहां भी पर्यटन विकास की संभावना दिखी उसे विकसित किया गया। गोरखनाथ मंदिर की चमक दमक बढ़ाई गई तो शहीद स्थल भी सजाए संवारे गए। गोरखपुर और संत कबीर नगर की सीमा पर मौजूद कसरवल में मौजूद कबीर धुनी और गोरख तलैया का सौंदर्यीकरण हुआ है। चौरा चौरी शहीद स्मारक में 2 करोड़ रुपए से विकास कार्य किए गए हैं। कई स्थानों पर पर्यटन केंद्र बनाने का कार्य आज भी चल रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र को कई सौगात दी। इसमें से 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं मूर्त रूप ले चुकी हैं, जबकि 125 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं प्रगति पर हैं। जिस रामगढ़ ताल के किनारे अंधेरा रहता था, आज वहां मुंबई के मरीन ड्राइव सा नजारा है। जनता को सुबह टहलने से लेकर शाम को घूमने तक का मौका मिला है। शहर को एक पिकनिक स्पॉट मिल गया है। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL के खाद कारखाना लगभग तैयार हो गया है। यह क्षेत्र में 10,000 से अधिक लोगों के रोजगार का मार्ग खोलेगा। प्रधानमंत्री दिसंबर में खाद कारखाने का लोकार्पण कर सकते हैं। यह कारखाना सहायक की भूमिका में कई उद्योगों के विकास में सहायक बनेगा। यही नहीं, सरकार ने बंद हो चुकी पीपराइज चीनी मिल को फिर से शुरू किया। इस मिल के चलने की उम्मीद लोगों ने छोड़ दी थी। करीब 423 करोड़ रुपए से चीनी मिल को नया कर दिया गया। यह चीनी मिल अपने लिए 27 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। 60 लाख क्विंटल पेराई क्षमता की मिल चालू होने से 35,000 गन्ना किसानों को सीधा फायदा हुआ तो 8,500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिला। एक जिला एक उत्पाद ODOP की योजना में टेराकोटा के उत्पाद को शामिल कर वैश्विक पहचान दी गई। दूसरे उत्पाद के रूप में रेडीमेड गारमेंट को बढ़ावा देने के लिए उसे भी शामिल किया गया। गोरखपुर को गारमेंट हब घोषित कर यहां फ्लैटेड फैक्ट्री बनाने की घोषणा हो चुकी है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIDA में गारमेंट पार्क स्थापित किया जा रहा है। प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा हो चुकी है। कारोबारी सुगमता में 6 पायदान की छलांग लगाने वाले गोरखपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां निवेश कर रही हैं।